वेलकम बैक रागिरेंस, क्या हाल है सबके। दिस इज़ योर सुपरवाइज बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। और फाइनली आज मैं पटना की सड़कों पर निकला हूँ। बहुत दिनों के बाद आपके लिए कुछ नया अपडेट लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक। और आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इस पर काफ़ी दिनों से वीडियो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि पटना में चल रहा था लॉकडाउन। बट अब लॉकडाउन फाइनली हो चुका है ख़त्म, तो वीडियो का सिलसिला बना रहेगा। और आज के इस अपडेट में मेरे साथ हैं अभय। हेलो। तो अभय, क्या हाल है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल ही रहा है। बस क्या चल रहा है आपका, वो जो चल रहा था केस वगैरह का, उसका क्या। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, आई होप बहुत जल्द हॉस्पिटल सील होने वाला है। अब देखते हैं ये कहाँ तक हो पाता है, मगर कार्रवाई हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपको समझ नहीं आया कि किस बारे में अभय ने अभी बात की, तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको आप चेकआउट करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभय का भी लिंक होगा, जो वीडियो उसने डाली थी आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, तो सारा मामला आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा फील हो कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब चलता हूँ मोटर व्लॉगिंग वाले सेटअप पर और शुरू करता हूँ आज का राइड, और दिखाता हूँ आपको कि आज मैं क्या दिखाने वाला हूँ। जो आज का अपडेट होने वाला है वो नीचे के बारे में होने वाला है। सो लेट्स गो आगे और देखता हूँ कि क्या कंडीशन है। और इधर तो रोड का आप देख सकते हो, रोड और फ्लाईओवर दोनों ही नीचे से अच्छे कंडीशन में दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है बीच रोड में, पाइप डालने का, पाइप है या वायर है पता नहीं। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ आर ब्लॉक की तरफ, और शायद थोड़ा सा एंटी लाइट आ रहा होगा, तो उसको एडजस्ट कर लेना आप लोग। और ये है अपना अटल पथ, पटना का रेस ट्रैक, जो कि न्यूली मेड है, सरकार की तरफ से राइडर्स को गिफ्ट मिला है, तो काफ़ी अच्छा रोड है। इसकी भी वीडियोस चैनल पर हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो। और ये है आर ब्लॉक गोलंबर, जिसमें कि कुछ चल रहा है कंस्ट्रक्शन, और क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये आपको स्ट्रक्चर देख कर समझ आ रहा होगा। ये बनाया जा रहा है काफ़ी आलिशान सा फाउंटेन, सो उसका तो अभी काम बिल्कुल ही ज़मीन लेवल पर है, तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आज का जो मेजर हमारा कंटेंट है वो ये रोड है। सामने से लाइट है इसलिए थोड़ा सा एंटी लाइट आ रहा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो फिलहाल मैं हूँ आर ब्लॉक से लेकर के जीपीओ वाले रोड में, और इधर में आप देख सकते हो हार्डिंग पार्क है। और नीचे का कंडीशन आप देख सकते हो कि रोड इधर का तो बना दिया गया है, वापस भी लौटूंगा मैं अभी उधर से, तो उधर का कंडीशन दिखाऊंगा। बीच में आप देख सकते हो कि कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मे बी इसको भी बाकी फ्लाईओवर्स की तरह पार्किंग बना दिया जाए, बट अभी कुछ अज्यूम नहीं कर सकता। और इधर का भी रोड नहीं बना है, ये पुराना वाला ही है, और कंडीशन आप इसका देख ही सकते हो काफ़ी बुरे हाल में है। वाटर लॉगिंग वगैरह, ये तो कल बारिश हुई थी उसका वाटर लॉगिंग होगा। और यहाँ से अप्रोच रोड था पुराने वाले फ्लाईओवर का, जिसको तोड़ दिया गया है फाइनली, इसलिए थोड़ा सा वहाँ आपको चौड़ा दिखा होगा। और बातों बातों में मैं पहुँच चुका हूँ जीपीओ गोलंबर के पास, तो यहाँ से गोलंबर से लूँगा एक यू टर्न, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने का मोटिव नहीं है, सिर्फ एक जल्दी से अपडेट दे देना था आप लोगों को। जब फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन में था तो रोड का नीचे का बहुत बुरा हाल था, तो एक दिन यूं ही गुजरते हुए देखा कि रोड बन गया है, तो सोचा कि अपडेट आपके साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ का भीड़ तो हमेशा उसी तरह रहने वाला है, कोई भी बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ के लोग नहीं सुधरने वाले। और अब शायद फ्रेम सही आ रहा होगा, क्योंकि सन हो गया है पीछे, सुबह सुबह का टाइम है, और वीडियो शूट करने के लिए मैं हमेशा मॉर्निंग टाइम ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रोड पर रश कम होता है। और ये अपने साथ अब है, और फिलहाल वो मज़ा ले रहे हैं नए वाले रोड का, जो कि अभी पूरी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मैं हूँ जिस रोड पर, ये पुराना वाला है, इसमें अभी कोई भी काम नहीं किया गया है। ये फ्लाईओवर का ऊपर से आपने काफ़ी सारा वीडियोस देख रखा है चैनल पे, सो उन सारे वीडियोस पर प्यार दिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और अपने भाई को ग्रो कराते रहिए।
बागी रोड तो अच्छा बना है बट कम्प्लीटली पूरा नहीं किया गया है इसको, तो थोड़ा सा इधर आपको संभल कर राइड करना होगा क्योंकि बीच बीच में ख़राब कंडीशन है और पार्किंग नहीं। इधर आप देख सकते हो कि डिवाइडर टाइप का बनाया गया है, सो मे बी इसमें अब प्लांटेशन कर दिया जाए, तो इस रोड में आपको पार्किंग देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ मिलेगा आपको डिवाइडर जिसके अंदर होगा प्लांटेशन। सो वापस मैं आ चुका हूँ आर ब्लॉक गोलंबर के पास, तो इस वीडियो को यहीं करता हूँ ख़त्म। सो दिस इज़ यूसुफ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप लोग सेफ रहो, घर में रहो और अपने पेरेंट्स का हिफाजत करो।